अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू द इंफोवर्ड चैनल। इंफोवर्ड चैनल में आप लोगों को दोबारा से खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं हेल्थ से रिलेटेड एक टिप कि हम अपने दांतों को कीड़ा लगने से कैसे बचा सकते हैं। बहुत ही आसान नुस्खा है इसके लिए। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जब हम खाना खाते हैं और दांत साफ नहीं करते तो खाने के इज्जा दांतों में रह जाते हैं और इस तरह दांतों में कीड़ा लगने शुरू हो जाता है और वो सड़ जाते हैं। यह नज़रिया अमरीकी माहिर दंदान ने पेश किया था, लेकिन अब इस नज़रिए को रद्द किया जाने लगा है। इसकी वजह क्या है कि जी, माहरीन का ख्याल है कि दांतों में कीड़ा लगने की ताल्लुक जो है हमारी रोज़मर्रा की खुराक से होता है, और अगर हमारी खुराक में फ़िज़ाइत कम हो तो दांतों में कीड़ा लगना यकीनी है। तहकीकार डॉक्टर वेस्टर्न प्राइस का कहना है कि अगर खाने में लखमियात, मिनरल, विटामिन और गजाइत कम हो तो हमारी हड्डियां और दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। खून में कैल्शियम और फास्फोरस का तनासब ख़राब हो जाता है, जबकि बैक्टीरिया इन कमज़ोरियों की वजह से हमलावर होता है और दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। डॉक्टर वेस्टर्न का कहना है कि दांतों के कीड़े से निजात हासिल करनी है तो हमारी रोज़मर्रा की खुराक जो है वो बेहतर होनी चाहिए, यानी हमें उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसका कहना है कि हमें अपनी रोज़ाना की खुराक में चंद बुनियादी तब्दीलियां करनी होंगी, यानी खाने में नारियल का तेल, गोश्त और सी फूड का इस्तेमाल किया जाए तो ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है और हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत मुफीद है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपकी आज की वीडियो में आपको ये इंफॉर्मेशन जो मिली है आप इसमें अमल करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी खिदमत अच्छी लगें तो देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ाना की अपडेट हासिल कीजिए। इंशाल्लाह हमारी हर वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।